अस्सलाम वालेकुम, सब लोग कैसे हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अब मैं आ गई हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ जो कि है जी क्यूब पिज़्ज़ा। चले जी चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। जो हमने इसमें चिकन यूज़ किया है, मैंने एक पाव चिकन लिया है और उसमें मैंने डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब मैंने इसमें डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चिली पाउडर। ये दोनों चीज़ें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, ठीक है। फिर आपने पूरा एक लेमन ऐड कर देना है। और अगर जिनके पास लेमन अवेलेबल ना हो तो वो सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खट्टा खट्टा सा एक फ्लेवर आएगा जो बहुत ही आपकी मैरिनेशन को अच्छा टेस्ट देगा, ठीक है। फिर मैंने ऐड किया है इसमें चाट मसाला। चाट मसाला आपने 1 टीस्पून डालना है, ठीक है। इसके बाद मैंने ऐड की है हल्दी, ठीक है। इसके बाद हल्दी ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे जी अपना सोया सॉस। सोया सॉस आपने 2 टीस्पून लेना है, ठीक है। इसको भी आपने लाजमी ऐड करना है अपनी मैरिनेशन में। फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी जी चिली सॉस। चिली सॉस आपने 1.5 टीस्पून ऐड करनी है, क्योंकि हम पाउडर ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं लाल मिर्चों का, ठीक है। फिर आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है और फिर आपने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। अच्छा, अच्छी तरह जब मैरिनेट हो जाएगा तो फिर हमने थोड़ा सा ऑयल लेकर उसमें इसी तरह से इसके जितना इसने पानी छोड़ा हुआ होगा वो भी उसके साथ ही ऐड कर देना है, और उसी में ये कुक होगा। ऑलमोस्ट 10 मिनट में ये कुक होकर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये ड्राई हो रहा है मैं आपको चलती हूँ ब्रेड की तरफ लेकर। ये मैंने बेकरी से एक दिन पहले ही ऑर्डर करवा ली थी और दरमियान से ये कट नहीं हुई भी, ठीक है। ये आपने ख़ुद कट करनी है। और देखें, ये इस तरह से मैंने बड़े हिसाब से बड़े बड़े कट लगा के खुद काट ली थी ताकि इसके क्यूब्स अच्छे बने, ठीक है। फिर आपने उसके बाद इसको सेंटर से भी कट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं कर रही हूँ आपने इसी तरह इसको कट कर लेना है। देखें जी, इस तरह आपने इसको 2 हिस्सों में पहले कट कर लेना है। और फिर इसके बाद ये जो दोनों का जो है आपने क्या कहते हैं उसको 4 पार्ट कर देना है, ठीक है। आपने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ब्रेड को आपने इस तरह से सेंटर से स्क्वायर में काट लेना है, क्यूब शक्ल में काट लेना है। अब परेशान नहीं हो, मैं बताऊंगी आपको कि ये मैंने कैसे कट किया है, और मेरे साथ रहिए। अच्छा जी, अब आपने एक तेज़ छुरी लेनी है, ठीक है। उसकी नोक से आपने जिस तरह से मैं काट रही हूँ साइडों को थोड़ा सा छोड़कर सेंटर से आपने एक स्क्वायर कट करना है। आपने कहीं जाना नहीं, आप वीडियो छोड़ कर मत जाइएगा। देखिएगा अभी बहुत अच्छा एक ये देखें टें टें चुरैट। अच्छा जी, अब आपने इसको अंदर प्रेस कर देना है, ठीक है। और प्रेस करके जो ब्रेड है आप बाहर इसको नहीं निकालिएगा, आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे नाइफ से प्रेस करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अच्छा, अब उतनी देर में मेरा चिकन तैयार हो गया था। अब मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ कोई। अच्छा जी, इसमें अब मैं डालूँगी स्क्वायर कटा हुआ प्याज, और इसमें मैं मोज़रेला चीज़ डाल दूँगी, ठीक है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। चलिए जी, अब इसकी हम फिलिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमने चिकन और मोज़रेला चीज़ और ऑनियन को हमने मिक्स किया था, वो आपने मिक्सर अच्छी तरह भर देना है अंदर की तरफ। और फिर उसके बाद आपने लेनी है जी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आपने अच्छी तरह इसको ऐड कर लेना है। मैंने थोड़ी डाली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मोज़रेला चीज़ की फिलिंग कर देनी है। आप चाहें तो फुल ऊपर तक ब्रेड को कवर कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही किया था। फिर उसके बाद आप डालेंगे जी ऑरिगैनो। उसके बाद जी ये रेडी हो गए हैं बेक के लिए, और अंदर जाकर मुझे ख़त ज़रूर लिखिएगा, मैं इनको पिज़्ज़ास को कह रही हूँ। अच्छा जी, और ये जी आपने 180 डिग्री में पहले रॉड जो है गरम कर लेना है। फिर उसके बाद आपने 20 मिनट के लिए इनको बेक कर लेना है। और जी टन 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 हो गए हैं तैयार हमारे
क्यूब पिज़्ज़ा बड़े छोटे मिनी मिनी से बहुत क्यूट लग रहे हैं और हमसे सब्र नहीं हो रहा है, अब हम खाने लगे हैं ये पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा खाने से पहले मैं आपको अंदर का लुक दिखा दूँ। जी ये देखें, यम्मी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारे और बहुत क्रिस्पी और बड़े टेस्टी जो है मेरे ये पिज़्ज़ा तैयार हुए थे। आप भी बनाइएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।